नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे अगारो के ब्लूटूथ स्पोर्ट्स हेडफोन का। दोस्तों, ये हेडफोन अमेजोन पे 1699 रुपीस में मिलता है। मुझे ये पर्टिकुलर यूनिट कंपनी ने रिव्यू के लिए भेजा है, लेकिन ना ये पेड प्रमोशन है ना ये स्पॉन्सर्ड रिव्यू है। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि क्या 1700 रुपये की प्राइस को ये जस्टिफाई करता है भी या नहीं। तो हमें इस तरह से बॉक्स मिलता है जिसमें कि हमारे हेडफोन्स हैं। पिछली साइड पे उसके कुछ सेलिंग पॉइंट्स के बारे में डिटेल्स दी हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्लूटूथ 5 ये मेंशन किया है। और एक ख़ास बात है जो इस हेडफोन के साथ हमें मिलती है, वो है क्वालकॉम का 3003 ये चिपसेट। ये एक एंट्री लेवल चिपसेट है जो कि ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइसेस में डाला जाता है, जो उन्हें थोड़ी एनहांस फंक्शनलिटी देता है। इस प्रकार से हमारा बॉक्स है और बॉक्स को खोलते ही ये केस में हमारा हेडफोन और यहाँ पे नीचे इसका मैनुअल और कुछ पेपर वर्क दिया है। तो ये कैरी केस है जो कि अच्छी खासी क्वालिटी की है, सॉर्ट ऑफ सेमी हार्ड है, सॉफ्ट टू टच है, लेकिन हेडफोन को अच्छी खासी प्रोटेक्शन भी देगी। इसके अंदर ये हमारे हेडफोन्स हैं। अंदर की तरफ ये हमारी चार्जिंग केबल है। ये चार्जिंग केबल USB टाइप ए टू माइक्रो USB है, ना कि टाइप सी। तो अभी के टाइम में जब हमारे सारे फ़ोन के चार्जर्स टाइप सी हो चुके हैं, ये हेडफोन को माइक्रो USB होने के कारण हमें ये एक एक्स्ट्रा केबल इसके कैरी केस में रखना कंपलसरी हो गया है। इसे चार्ज होने में 1 से 1.5 घंटा लगता है और एक फुल चार्ज आपको 8 से 10 घंटे प्लेबैक टाइम देता है और इसकी 250 आवर्स की स्टैंडबाय टाइम है। उसी के साथ नॉर्मल कैरी केस दी जाती है, ना कि मॉडर्न बर्ड्स की तरह केस आती है जो खुद भी हमारी ईयरबड्स को 1 से 2 बार और आगे चार्ज करके उसकी बैटरी टाइम बढ़ाती है। वो फंक्शनलिटी मिसिंग है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस बैग में हमें कुछ अलग टाइप के सिलिकॉन टिप्स दिए हैं हमारी केबल को मैनेज करने के लिए। ये इस प्रकार से रबर का एक क्लिप दिया है। हम अब हमारे हेडफोन्स पे आते हैं। आप देख सकते हैं इसको एक ये रबराइज हुक है जो इसे हमारे कानों में काफ़ी अच्छी लॉक देता है। सिलिकॉन टिप होने के कारण ओवरऑल इसकी फिट भी काफ़ी अच्छी है। ये हेडसेट को CVC नॉइस कैंसिलेशन है, जिसमें कि इसके माइक्रोफोन थ्रू सामने वाली पार्टी को क्लियर आवाज़ मिलती है। इसे आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ कंफ्यूज ना करें। इन हेडफोन्स में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था, ये पर्टिकुलर हेडफोन्स ये ब्लूटूथ 5 के साथ आते हैं। और एक ख़ास बात ये भी है कि ये एक साथ 2 डिवाइसेस को कनेक्ट होते हैं। हेलो, आज के टाइम में जब हर एक जन वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, हम लैपटॉप पे काम करते भी इसका एज अ मीडिया आउटपुट से यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आने वाले कॉल्स भी बिना हेडफोन्स निकाले हम इसी एक हेडफोन से उन्हें ले सकते हैं। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है जो अभी के टाइम में नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है। दोस्तों, ये बजट हेडफोन्स में से एक ऐसा हेडफोन है जिसमें IPX7 है, मतलब ये 100% स्वेट और वाटरप्रूफ है। उसी के साथ आप इसे बारिश में भी आसानी से पहन सकते हो। और अगर IPX7 रेटिंग की माने तो इसके साथ आप स्विम भी कर सकते हो, जब तक आप 1 मीटर के नीचे पानी में नहीं जा रहे हैं। हम इसकी IPX7 वाटर रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं। मैं इसको डायरेक्टली पानी में डालूंगा। हेडफोन्स ऑन है तो आप अपेरेंटली पानी में भी देख सकते हैं कि कोई बबल्स नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अच्छी तरह से सील किए हैं। तो आइए अब हम इन्हें पहन के देखते हैं। ये चेक करते हैं कि क्या हमारे हेडफोन्स अभी भी काम कर रहे हैं या नहीं। ये
अभी भी चल रहे हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप जानबूझ के इसको पानी में फेंकें, लेकिन आप इसे आसानी से पहन के बेफिक्र होकर बारिश में जा ही सकते हैं। इसकी एक साल की वारंटी है और इसकी प्राइस भी 1699 मतलब 1700 रुपये है, और उस प्राइस के लिए इसकी बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आप सारे बटन देखें वो हमारे राइट साइड के ईयर पीस पे ही है। ये जो म्यूज़िक का आइकॉन है ये सिर्फ शो के लिए है, कोई भी बटन लेफ्ट साइड के ईयर पीस पे नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शनलिटी है वो हमारे ये मल्टी फंक्शन बटन से ही कैरी की जाती है, जैसे कि ट्रैक को प्ले और पॉज करना, उसी के साथ आए हुए कॉल को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, और गूगल असिस्टेंट को ट्रिगर करना। ये ऊपर के जो वॉल्यूम प्लस और माइनस बटन्स है उन्हें वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता ही है। उसी के साथ अगर आप लॉन्ग प्रेस करें तो आप नेक्स्ट ट्रैक या प्रीवियस ट्रैक टॉगल कर सकते हैं। अगर आप बटन की क्लिक फील देखें तो क्लिक की फील अच्छी खासी है, एक अच्छा हैप्टिक फीडबैक हर बार मिलता है। ये अगर आप वॉल्यूम प्लस माइनस की देखें तो इसमें थोड़ी प्ले है, एटलीस्ट मेरे यूनिट में तो ये ऐसा है, तो ये बेहतर हो सकती थी। तो यहाँ पे एक स्टेटस इंडिकेटर LED भी है जो हमारे राइट ईयरबड के पिछली तरफ है, और यहाँ पे क्लियरली राइट और लेफ्ट ईयरबड को इंडिकेट भी किया गया है। क्वालकॉम की चिप होने के कारण यह पेयर होने के बाद हमें यहाँ पे हमारे ब्लूटूथ के स्टेटस में इसकी बैटरी परसेंटेज भी इजीली दिखती है। तो दोस्तों अगर आप इसकी फिट देखें तो ये इस तरह से काफ़ी अच्छी फिट देते हैं, और ये ऊपर की हुक लगाने के बाद ये खुद ब खुद तो नहीं गिरने वाले, आप कितने भी इसे गिराने की कोशिश करें या आप जब जॉगिंग जैसी एक्टिविटी कर रहे हो ये खुद से नहीं गिरने वाले। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए इसकी डिज़ाइन और ये दिया गया हुक इनफ है। इसे नॉर्मल केबल दी गई है, ये केबल ब्रेडेड नहीं है। उसका ये भी रीज़न है कि अगर ब्रेडेड केबल होती थी तो उसके फैब्रिक में हमारा स्वेट या पानी लगने के बाद अनइजी टू यूज़ होते थे, इसलिए नॉर्मल केबल है और ये काफ़ी इजी टू मेंटेन है। इसे आप आसानी से वाइप करके क्लीन कर सकते हो। तो इसकी कॉल क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, और सामने वाले को आपकी जो आवाज़ जाती है वो काफ़ी क्लियर तरह से जाती है। तो क्वालकॉम पर 3003 चिप होने के कारण आपके कॉलिंग का एक्सपीरियंस इससे काफ़ी अच्छा होने वाला है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बजट हेडफोन्स। अगर आप साउंड और म्यूज़िक क्वालिटी की बात करें तो मैं कहूँगा ये अबव एवरेज है। इस प्राइस ब्रैकेट में हेडफोन्स जैसे साउंड करते हैं मैं कहूँगा वैसे ही इसकी आवाज़ है, थोड़ी बेटर भी है। लेकिन एक अगर मुझे स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट लगता है तो वोकल्स थोड़े बेटर हो सकते थे, लेकिन आप इसकी साउंड क्वालिटी से बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है। अगर हम रेंज की बात करें तो मैं मेरे हैंडसेट से लाइन ऑफ साइट 30 मीटर्स तक दूर गया तो भी मेरी सिग्नल क्वालिटी अच्छी थी और ब्रेकेज नहीं था, उसके आगे मुझे साउंड में ब्रेकेज सुनाई दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।